सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है एहसन अली और आप देख रहे हैं टेक सर्वाइवल। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं Redmi 5A डिवाइस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर तो आप भी Redmi 5A डिवाइस में अपनी MIUI 10 स्टेबल रोम को इस्तेमाल करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम Redmi 5A की अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक न्यू रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुई है। तो अगर तो आप भी वही इसी अपडेट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं, अगर तो आपके अपने मोबाइल में Redmi 5A जो डिवाइस है, अगर तो आप उसमें MIUI 10 स्टेबल रोम को इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। फ्रेंड्स, यहां पर बात करें, जो कि अगर तो आप Redmi 5A में अपने MIUI 10 इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके साथ आपकी डिवाइस ये जो अपडेट है, जो कि 2.3.0 अपडेट है हमारी, जो कि अब रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुई है, ये सिर्फ हमारे चाइनीज़ वेरिएंट के लिए ही मतलब के रोलिंग आउट होना स्टार्ट हुई है। अगर तो आप भी अपनी मतलब डिवाइस में, अगर तो आप अपनी मतलब डिवाइस में चाइना स्टेबल रोम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप अपडेट जाइए अपने अपडेटर ऐप में और वहाँ जाकर चेक फॉर अपडेट पर क्लिक कीजिए। और अगर तो भाई आपको ये अपडेट देखने को मिल जाती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये देखने को नहीं मिलती तो बाद यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ ऐसे होते हैं मतलब यूज़र्स जो ये सोचते हैं कि भाई अपडेट हमें नहीं देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता चलूँ कि हमें अपडेट देखने को ज़रूर मिलेगी और 100% मिलेगी। ये फ्रेंड्स एक तरह से होता है ऐसे कि मतलब ये कुछ ही रैंडमली डिवाइसेस को टेस्टिंग के तौर पर दी जाती है, तो इसी हिसाब से वो सिर्फ वही यूज़र्स को रैंडमली जिन डिवाइसेस को सेलेक्ट किया जाता है उनको देखने को मिलती है, हमें देखने को नहीं मिलती। मतलब कि कुछ ही डिवाइसेस होती हैं जिनको नोटिफिकेशन के थ्रू हम उन्हें पता लग जाता है, अगर वो भी उसी वक्त इंस्टॉल कर ले तो ठीक है, वरना उनसे भी हट जाता है वो जो नोटिफिकेशन है और उनके लिए भी कुछ भी शो नहीं होता, मतलब कि वो भी अपडेट उनके लिए गई। तो उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको देखने को मिल जाए तो ठीक है, अगर आपको नहीं देखने को मिलती तो आपने पब्लिक रिलीज़ तक का वेट कर लेना है और बस पब्लिक रिलीज़ तक मतलब 4-5 दिन लगेंगे, उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर फ्रेंड्स आप ये बोल रहे हैं कि भाई हमें ये मतलब कि अभी चाहिए, मतलब कि हम इसका वेट नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है अपडेट है, ये यूज़र्स ऐसे होते हैं जो मतलब अपडेट को जल्दी पाना चाहते हैं, तो इस ये जो वीडियो है इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा जो कि चाइनीज़ वेरिएंट्स के लिए है, अगर आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप ये सोचने के भाई मैं इसे अपने मतलब कि अगर आपके कुछ चाइनीज़ वेरिएंट नहीं है, अगर आप मतलब नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं जो कि इंडिया में फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं Redmi 5A, तो फ्रेंड्स जहाँ पर मैं आपको बता चलूँ अगर आप उसमें डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ, मगर ये इसके लिए एक परेशानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मसला कोई नहीं है, सिर्फ आपके पास भी ये आसानी से मतलब कि इंस्टॉल हो जाएगी, मगर इसमें एक मसला ये है कि आपका मोबाइल रूट होना चाहिए। रूट मतलब कि आपका मोबाइल जब तक रूट नहीं होगा तब तक ये अपडेट आपके मोबाइल में नहीं होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आपका मोबाइल रूट नहीं होगा उस वक्त तक आप ये अपडेट नहीं कर सकते। तो बाज़ औक़ात होता ये है कि जैसे ही आप इसे रूट करेंगे तो इसका जो कनेक्शन होता है वो मतलब कि कंपनी से टूट जाता है। जाहिर सी बात है जब हम कोई भी अपडेट मैनुअली इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर वो जो MI का सर्वर होता है उसमें पहले वो अपडेट ढूंढता है और उसके बाद ही हमारे लिए मतलब कि वो बोलता है कि आप इसे अब इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब वो मतलब कि उसका कनेक्शन टूट जाता है तो इस हिसाब से फिर वो ढूंढ नहीं पाता, इस हिसाब से हम उसे आसानी से डाउनलोड करके यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसका एक और मसला है मैं आपको बताता चलूँ, अगर तो आप मतलब डाउनलोड करने के लिए खुद ही इंस्टॉल करने के लिए लगा लेते हैं ये और आप ये सोचते हैं कि भाई मैं कर लूँगा, उसके बाद आपको इसके नोटिफिकेशन जो मतलब जो न्यू अपडेट्स आएंगी उसके आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो कंपनी से इसका कॉन्टैक्ट होता है वो टूट चुका होता है। उसके बाद आप मतलब कोई भी अपडेट लीजिए खुद से, वो इंस्टॉल कर लीजिए, ये आपको कुछ नहीं बोलेगा, मतलब कि सारा मोबाइल का कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज मैंने आपके साथ बात करनी थी Redmi 5A के बारे में। फ्रेंड्स अगर तो आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ यही बातें करनी थी कि भाई Redmi 5A में हमें अपडेट में तो रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गई है जो कि 2.3.0 है, तो अगर तो आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपने मोबाइल के अपडेटर ऐप में जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको नहीं देखने को मिलती तो वेट कीजिए, अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।